एकदम सुनहरो इनसे हमने ले लिया है बोर्डिंग पास। आज यार एयरपोर्ट के बाहर का मौसम देखो यार। मसाला टी नाइस। यहाँ का ब्रांड है भाई लोकल मोगू मोगू, इसका पाइनएप्पल जूस जो। नमस्ते नागालैंड, मैं हूँ अभी फिलहाल दीमापुर नागालैंड में। हम आए थे यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 को एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पे हमने एक्सप्लोर किया रिच कल्चर ट्राइब, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ पे क्या क्या फूड है, उन सब चीज़ों को हमने बड़े गौर से और जानने को मिला हमें बहुत कुछ। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर अस। और फाइनली हॉर्नबिल फेस्टिवल को एक्सप्लोर करके पहुँचे हैं दीमापुर एयरपोर्ट पे, जहाँ से है हमारी फ्लाइट। यूजली आपको पता है कि बड़े बड़े एयरपोर्ट से हमने फ्लाइट ली है, जैसे मुंबई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बट ये एक छोटा सा एयरपोर्ट है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे यहाँ की ना पार्किंग इतनी बड़ी है कि कितनी ज़्यादा गाड़ी आज खड़ी है। तो चलते हैं हम दीमापुर एयरपोर्ट के अंदर और आपको दिखाएंगे अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। हमारी फ्लाइट है आज दीमापुर से दिल्ली के लिए, तो आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। क्विकली कम, लेट्स गो, गर्मी है। पहुंच चुके हैं अभी दीमापुर एयरपोर्ट के डिपार्चर पे। बहुत ही क्विकली डिपार्चर हो गया और अभी जो टाइम है वो है 12 बज चुके हैं। हमारी फ्लाइट है 1:30 बजे की, तो लगभग हम 1.5 घंटा पहले पहुंचे हैं। क्योंकि छोटा एयरपोर्ट है तो बहुत ज़्यादा पहले आने की आवश्यकता आई थिंक नहीं है। आपको आईडी तो है ना ज़रूर कैरी करनी है। यहाँ पे है ये स्कैनर जहाँ से हमारा लगेज चेक इन होगा। फिट एंड फ्लाई, तो हमारी है इंडिगो की फ़्लाइट, तो यहाँ पे एक्सरे मशीन है जहाँ से आप अपना लगेज स्कैन करने के लिए भेज सकते हैं, मतलब भेजना ही होगा। बट हम अपना लगेज जो है वो स्कैनिंग करने के लिए नहीं भेज रहे हैं क्योंकि हमारे पास है छोटू बैग। वाओ, इस बार मेरी लाइफ का ये फर्स्ट ट्रिप था नागालैंड का जो मैंने इतने छोटे से बैग में पूरा कर लिया, और ये लगभग 5 से 6 दिन का ट्रिप था। लग रहा है मुझे मैं ट्रैवलर वाली लाइफ जी रही हूँ, छोटे से बैग में इतना सारा स्मार्ट टूल्स के लाया है। तो अभी क्या है ना, बैगेज को चेक इन करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा केबिन में साथ चला जाएगा। 7 kg तक अलाउड होता है, होपफुली 7 kg ही होगा। जैसे कि अभी हॉर्नबिल फेस्टिवल चल रहा है, तो यहाँ पे आपको एयरपोर्ट पे हॉर्नबिल फेस्टिवल को डिपिक्ट करता डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या ट्राइब्स वियर करती है और क्या क्या वहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। और हॉर्नबिल जो है वो इस हॉर्नबिल बर्ड के नाम पे रखा हुआ है, तो ये है एक बहुत ही अच्छा डिस्प्ले एट एयरपोर्ट। और यहाँ से है इंडिगो वालों की एंट्री, यानी कि हम लोग जाने वाले अभी यहाँ से। एक साइड यहाँ एयरपोर्ट पे काउंटर्स हैं, सिक्योरिटी चेक इन है, और यहाँ दूसरी तरफ आपको मिल जाएगा VIP यानी एग्जीक्यूटिव लाउंज, जहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग अंदर सोफ़ाज लगे हुए हैं, आप जहाँ पे बैठ सकते हैं। मुझे यहाँ का इंटीरियर बहुत ही अच्छा लगा, देखो पूरा वुडन में बना हुआ है। और अंदर देख लीजिए एक बार आप। दीमापुर एयरपोर्ट पे आपको यहाँ वाईफाई की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, फ्री वाईफाई। आज दिल्ली जाने वालों का रश नहीं है क्या? खाली खाली लग रहा है एयरपोर्ट। तो यहाँ पे एकदम सुनहरो इनसे हमने ले लिया है बोर्डिंग पास। तो देख लो टाइम, 1:35 की हमारी फ्लाइट है 5 दिसंबर को। बोर्डिंग टाइम भी देख सकते हो 12:50 पे। जेंट्स एंड लेडीज़ के लिए अलग से यहाँ पे रो बनी हुई है, और आपको यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं आर्टिकल्स जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, जो आप अपने हैंड बैगेज में कैरी नहीं कर सकते, ठीक है। पाउडर, जॉनसन बेबी ऑयल वॉयल, और कुछ भी ऐसा जो फायर पकड़े, कुछ भी आग पकड़े, ऐसा कुछ सामान नहीं कैरी कर सकते। और लाइटर, ये सब भी आप कैरी नहीं कर सकते। देख लो भाई, टूल वूल मत लेके आ जाना कभी। तो इधर से हमने अपना सिक्योरिटी चेक इन कर लिया है। सिक्योरिटी चेक इन के बाद यहाँ पे वेटिंग लाउंज बना हुआ है नॉर्मल टिकट पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पे है वेटिंग लाउंज। 12:50 पे होगी हमारी बोर्डिंग Gate No. 1 से। दीमापुर एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं हम अभी वॉशरूम में। यहाँ के वॉशरूम जो है एंट्रेंस पे तो बहुत ही नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ा मिरर भी दिया हुआ है जहाँ पे आप अपने आपको अच्छे से निहार सकते हैं। और वॉशरूम की अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन तो नहीं है, कोई सफाई कर्मचारी भी नहीं दिख रहे हैं मुझे। और सेकंड थिंग क्या है ना, यहाँ वैसे हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब भी आप जाएँ तो उसको फ्लश करनी, प्रॉपर क्लीन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिकमिक, जहाँ पे आपको इंडिया नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी चीज़ों की वैराइटीज़ मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखोगे आपको बैम्बू प्रोडक्ट्स और जो भी नॉर्थ ईस्ट साइड की स्पेशली नागालैंड की जो स्पेशलिटी है वो यहाँ मिल जाएगी। सो व्हाट आर यू टेस्टिंग? दिस इज मसाला टी। ओह नाइस।
तो यहाँ पे आपको मसाला चाय, जैसे आसाम भी पास में है तो आसाम की मसाला चाय मिल सकती है। और इधर है एक और काउंटर, मणिकांता अल्पाहार ग्रे, ठीक है। यहाँ पे आपको स्नैक्स वगैरह मिल जाएगा, नूडल्स, मैगी और चाय कॉफ़ी टाइप, ठीक है, जूसेस। और ऐसे यहाँ पे है स्नैक फास्ट स्नैक नहीं स्नैक तो यहाँ पे आपको सब चीज़ें देख लो भाई, अटम शटम बहुत सारी कुछ मिल जाएगा। मणिकांता वाले स्टोर से हमने लिया है यहाँ पे मोगू मोगू, यहाँ का ब्रांड है भाई लोकल, मोगू मोगू, इसका पाइनएप्पल जूस, जो कि हमें ये बॉटल पड़ी है 130 रुपीज़ की, देख लीजिए आप, MRP भी दिख रहा होगा शायद आपको, 130 रुपीज़। सिकमिक स्टोर पे हैं हम, और यहाँ पे ये अमन है, इन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें दे ही दी हैं फाइनली, बोले आप ये लेके जाओ। सबसे पहले तो हमने लिया है ये देखो, तिल और गुड़ की कैंडी, सिसमे और जैगरी का उसमें होता है कैंडी है, ये ले सकते हैं आप। यहाँ की ये मसाला चाय, ये तो पक्का लेना भाई, मैंने ले लिया है ये एक बॉक्स मेरे घर के लिए, प्राइस देख लो। और नागा का फ्रिज मैग्नेट, तो इस फ्रिज मैग्नेट पे बियर की बोतल बनी हुई है, क्योंकि यहाँ की आपको पता है राइस बियर बहुत ही फेमस है। और हॉर्नबिल का ये ब्रोश, ये तो आप ले सकते हो अगर शर्ट पे लगाना है, कितना प्यारा लग रहा है यार ये हॉर्नबिल, देखो कितनी क्यूट लग रही है। हाँ तो 940 रुपीज़ की हमने यहाँ पे कर लिया शॉपिंग, ही खर्चा करवा दिया। फाइनल चेक इन करके हम पहुंच चुके हैं अभी दीमापुर एयरपोर्ट के बैक साइड में, जहाँ पे मिलेगी हमारी फ्लाइट इंडिगो की, और उधर आ रही है एक एयर इंडिया, दिस इज आवर फ्लाइट इंडिगो। आज यार एयरपोर्ट के बाहर का मौसम देखो यार, दीमापुर में वैसे मोस्टली ऐसा ही वेदर मिलता है, क्लीन स्काई, ब्यूटीफुल वेदर एंड क्यूट लाइट। सुनो जी, आ चुके हैं हमारी इंडिगो की बस, चलते हैं बस में फ्लाइट तक, अब तो खाली खाली है, अपनी मर्जी की सीट रोक सकते हैं। तो जी एक बार दीमापुर हवाई अड्डा देख लो दूर से कैसा लगता है, ये है डिपार्चर और उस तरफ है अराइवल। So have a look of flight. Flight का पहला लुक जरा करीब से देखिए, उधर से जा रहा है लगेज, साथ साथ लगेज को भी लोड किया जाता है। चलते हैं अंदर, एक्साइटेड हूँ मैं इंडिगो में फिर से एक बार ट्रैवल करने के लिए। हाँ इंडिगो से तो बहुत बार ट्रैवल किया है, बट दीमापुर नागालैंड से ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा। और पीछे देखोगे तो एक छोटी वाली भी इंडिगो भी है। तो यहाँ आ चुके हैं अभी हम फ्लाइट के अंदर, सीट नंबर है 5E, सामने दो पीछे और चार विंग्स के ऊपर। 1:40 में रनवे पे, और वैसे 1:45 का टाइम देखा हुआ है, तो 5 मिनट का डिले चलता है, 5 मिनट का डिले तो इंडिया में आम बात है। केबिन क्रू की जरूरत है।
रंग बदल लिया है अपना, इसके अंदर मिलाई है हमने भुजिया। यार ज़्यादा ऑप्शन तो कुछ थे नहीं, और आई थिंक पोहा थोड़ा हेल्दी भी रहेगा, गर्म भी है एकदम। व्यू आपको देखने को मिल जाए तो मतलब समझो आप फ्लाइट के पैसे जो आपने खर्च किए ना वो पूरे हो गए। वाओ, पूरा क्लाउड्स ही क्लाउड्स, ऊपर देखो ब्लू स्काई। चीयर्स। फ्लाइट पहुंची है डोमेस्टिक टर्मिनल 2 पे। वेलकम टू T2, और यहाँ पे हो चुका है हमारा अराइवल। पूरे 3 घंटे की फ्लाइट थी। अगर आपको दीमापुर से दिल्ली आना है तो दीमापुर का जो कोड है वो है DM 1:36 पे उड़ान भरी थी, और 4:36 पे यहाँ पे हमें लैंड हुए हैं। 3 घंटे की फ्लाइट है क्योंकि पूरा ईस्टर्न पार्ट में, एकदम इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में। तो या बट इट वॉज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर अस। फ्लाइट में थोड़ा बहुत कुछ खाने का लिया हमने, बट आई थिंक मुझे लगता है कि 3 घंटे की अगर फ्लाइट है तो थोड़ा बहुत कुछ बीच में कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स या कुछ खाने का देना चाहिए। आई थिंक इतनी लंबी फ्लाइट है यार, बोर्ड भी हो जाते हैं। थोड़ी देर सो गए तो मान लो हाँ कम्प्लीट हो सकती है जर्नी, वरना नहीं। तो ये था हमारा आज का इंडिगो की फ़्लाइट का एक्सपीरियंस। वैसे तो इंडिगो में बहुत बार एक्सपीरियंस लिया है ऑलरेडी, बट स्टिल दीमापुर से यानी नागालैंड से दिल्ली का एक्सपीरियंस ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। नागालैंड के लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। तो आपको मैं इस ब्लॉग में ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच चलता है हर साल, तो अगर उसका प्लान कर रहे हो तो उसके भी मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो प्लीज़ उन वीडियो को देखना, आपके लिए वो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखना। चलो यहीं तक था ये आज का ब्लॉग। तो दिल्ली एयरपोर्ट से आपकी जो आपको बोलती है बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। या चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।